नमस्कार, मैं हूं चुमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बढ़ रहा है शराब का कारोबार, 322 ठेकों के लिए उमड़े 20,000 आवेदक, सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त। एक भट्टा मजदूरों ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। रोजगार सहायता शिविर में उमड़े युवा, 700 तक अभ्यर्थियों को रोजगार मिलने की उम्मीद। अश्वमेला पारवान पर घोड़ी डांस देखने के बाद भूले लुंगी डांस। अब समाचार विस्तार से। जिले में शराब का कारोबार व्यवसायियों को रास आने लगा है। यही वजह है कि जिले में 322 ठेकों के लिए करीब 20,000 आवेदन प्राप्त हुए। लिहाजा गुरुवार को जब ठेका आवंटन के लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई, तो जंक्शन स्थित महाराजा अग्रसेन भवन के आसपास मेले का सा माहौल व्याप्त हो गया। एक तरफ तो नारा दिया जाता है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दूसरी तरफ सरकार अधिकाधिक राजस्व वसूली करने के लिए शराब के ठेकों की संख्या बढ़ाने में लगी है। हालांकि इस साल हनुमानगढ़ जिले में ठेकों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी शराब की दुकानें हासिल करने वालों में खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही महाराजा अग्रसेन भवन में नोहर, भादरा, रावसर, पीलीबंगा और संगरिया आदि क्षेत्रों से आवेदकों का आना शुरू हो चुका था। हर कोई अपने नाम की लॉटरी निकलने की उम्मीद कर रहा था और अपने इष्ट की आराधना करने में जुटा था, किसी तरह परमात्मा लॉटरी निकाल दे। खास बात है कि जिले में शराब के 322 ठेके आवंटित हैं। इनमें 295 देसी शराब और महज 27 ठेके अंग्रेजी शराब के। इन 322 शराब के ठेकों के लिए जिले में इस बार करीब 20,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। करीब 5,000 से अधिक आवेदकों की मौजूदगी में लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्टर पीसी किशन, जिला पुलिस अधीक्षक शरद काविराज व जिला आबकारी अधिकारी जेपी रंगा आदि मौजूद रहे। एसपी शरद काविराज बाल्टी में से पर्चे निकालते और कलेक्टर पीसी किशन माइक पर उसकी घोषणा करते और संबंधित आवेदक तालियां बजाकर कर रहे थे अपनी खुशी का इजहार। आखिर कुछ अरसे के दौरान शराब का बिजनेस लोगों को क्यों भाने लगा? पूर्व सरपंच करणी सिंह राठौर कहते हैं कि पीने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है, दुकानें भले कम हों लेकिन बिक्री ज्यादा है, ऐसे में बिजनेस का ग्रोथ साफ नजर आ रहा है, लिहाजा व्यवसायियों में इस तरफ रुझान बढ़ा है। लोगों ने आकर्षण की है, पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए कर दी थी, 1 साल के लिए तो उन्होंने 3 साल बढ़ा दिए। इस बार भी लोगों में ये है, 1 साल के बजाय 3 साल या 2 साल हो सकती है और अभी लोगों में इनकम भी रही और एक छोटी दुकान होने के कारण रोजगार भी लोगों में ज़्यादा मिला। और एक ये हो गया कि पहले एक आदमी कितनी भी दुकानें लगा सकता था, अब उसके लिए एक आदमी एक दुकान इंग्लिश की, चाहे उसको कितनी दुकानें लॉटरी में निकल जाए, एक चला सकता है। और देसी में इंग्लिश की एक देसी दुकान चला सकता है, इसीलिए लोगों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों को आकर्षित है, लोगों ने ठेकों की लाठियाँ लगाई है और उनको ये उम्मीद है कि भी हमारे जो लगे हुए खर्चे और इससे मजबूत हो सकते हैं, एक मेरे अनुमान है। व्यवसायी अजय गर्ग कहते हैं कि शराब का बिजनेस कभी अलग दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। अब तो शराब का ठेकेदार बनना जैसे स्टेटस सिंबल हो गया है। दूसरी तरफ इसके प्रति आकर्षण का खास कारण है शराब में अधिकाधिक मुनाफा। देसी शराब में 35% तो अंग्रेजी शराब बेचने में 25% कमीशन है। क्योंकि बिक्री बढ़ रही है इसलिए आय में बढ़ोतरी जाहिर सी बात है। देसी की दुकानें हैं, गवर्नमेंट की आपका डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर 35% कमीशन है, जो इंग्लिश की है उसके ऊपर 25%, जो इनकी सेल है वो बहुत अच्छी चल रही है, जिससे कि आमदनी की काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं और फेयर बिजनेस है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की जी पॉलिसी है, आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है। बिजनेस में अच्छी कमाई है जी, बेरोजगार आदमी है जी, कुछ ना कुछ लॉटरी लगाने के लिए ये इसमें कमाई है। ऐसी की दुकान काफ़ी रानी के द्वारा उसमें अच्छी कमाई है, पहले भी मेरे ठेके चलाए वही दुकान आई है।
दूसरी तरफ मेला देखने पहुंचे कुछ लोगों का कहना था कि शराब की नदियां बहाने से समाज गलत दिशा में जा रहा है। बेहतर होगा कि शराब पीने वालों की संख्या घटाने के लिए सरकार शराब की कीमत बढ़ा दे ताकि पीने की प्रवृत्ति में कमी आए। पूरी युवा पीढ़ी ज्यादा इस चीज के अंदर कॉन्सेंट्रेटिव हो रही है, तो शराब पीने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है क्या समाज में सही है? एक भट्टा मजदूरों ने सीटू के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के सामने सड़क पर जाम लगा दिया और सभा की, जिसे माकपा नेताओं ने संबोधित किया। ये है ईंट भट्टा मजदूर, सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। आक्रोशित चेहरे, बंद मुट्ठी और बुलंद आवाज में सरकार को उखाड़ फेंकने की हामी भरते हैं, जो अभी 2 माह की हुई है। जी हां, माकपा के बैनर तले ईंट भट्टा मजदूरों ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर समझौता भी हुआ, लेकिन मजदूरों को पुरानी दरों पर ही भुगतान हो रहा है। मजदूरों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सस्ता राशन देने की योजना है, लेकिन भट्टा मजदूर इससे वंचित हैं। उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, नसीब खान, बीएस पेंटर व श्यामलाल आदि ने कहा कि श्रमिकों को 10 लीटर केरोसिन उपलब्ध करवाने की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजदूरों को शिक्षित करने के लिए स्कूल की जरूरत है, जबकि सरकार शिक्षा के नाम पर अरबों रुपए फूंक रही है। नगर परिषद ने बेघर परिवारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करवाई, इससे लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र ही इस मसले पर सुनवाई नहीं हुई तो लोग मजबूरन आंदोलन तेज करेंगे। पिछले साल से इस साल महंगाई की दर में बहुत भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे गरीब आदमी के काम आने वाली तमाम खाद्य सामग्री महंगी होगी। इसके मद्देनज़र हर साल यहाँ जो है त्रिपक्षीय समझौता होता है, इसमें एक तो श्रम विभाग का अधिकारी बैठता है, मजदूर और मालिकों के जो यूनियन के प्रतिनिधि वो बैठ के रेट का डिसाइड करते हैं, मजदूरों की दरों का निर्धारण करते हैं। इस साल भट्टे के मालिकों ने इकट्ठा होकर ये कहना शुरू कर दिया कि हम कोई रेट में बढ़ोतरी नहीं करेंगे और किसी सूरत में हम रेट में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। इससे मजदूरों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आज भी हजारों की संख्या में मजदूर आए हैं और अगर रेट में बढ़ोतरी नहीं करते तो पूरे ज़िले के अंदर जो है वो मजदूरों का जो है असंतोष रहेगा, जिससे हालात और बिगड़ेंगे। हम यहाँ जिला प्रशासन से तो स्थिति से अवगत करवाने आए हैं कि हर साल की तरह इस साल भी भट्टा मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी की जाए और उनकी जो खाद्य सामग्री है उनको जो सरकार ने घोषणा कर रखी है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनको उपलब्ध करवाई जाए। भट्टे के ऊपर केरोसिन का उनको तेल मिले और जो दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भट्टे हैं, भट्टे के नज़दीक जो है वो सत शिक्षा कार्यक्रम के तहत उनका स्कूल खोला जावे। बेरोजगारी बड़ी समस्या है। हर साल जिले में हजारों बेरोजगार भीड़ में शामिल हो जाते हैं। प्रशासन और जिला रोजगार केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को राजीव गांधी स्टेडियम में रोजगार सहायता शिविर लगाया गया। इसमें तकरीबन 1000 से अधिक युवाओं ने भागीदारी दर्ज की। राजीव गांधी स्टेडियम में लगाया गया रोजगार सहायता शिविर, तकरीबन 1000 से अधिक बेरोजगारों ने शिविर में भागीदारी दर्ज की। शिविर में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की अलग अलग स्टॉलें लगाई गई। स्टॉल पर पहुंचे युवाओं को न सिर्फ जानकारी उपलब्ध करवाई गई बल्कि उन्हें संबंधित रोजगार के लिए आवेदन पत्र भी भरवाए गए। जिला रोजगार अधिकारी जेपी मिश्रा के मुताबिक तकरीबन 500-700 अभ्यर्थियों को इससे फायदा होगा। जिला प्रशासन
हनुमानगढ़ एवं जिला रोजगार कार्यालय हनुमानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण और व्यावसायिक मार्गदर्शन से जुड़े हुए जो संस्थान हैं उनको आमंत्रित किया गया है। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी देंगे दे रहे हैं और जो गैर सरकारी संस्थान हैं वो मौके पर टेंटेटिव सिलेक्शन करके शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा प्रयास है कि नियोजक और जो बेरोजगार आशार्थी हैं उनको एक ही छत के नीचे ला करके लाभान्वित किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये फिगर जो लाभान्वितों की है ये 5-700 के करीब, 5 से 700 के करीब होनी चाहिए। दूसरी तरफ युवाओं की सोच कुछ अलग ही थी। स्टॉलों का अवलोकन कर लौट रहे युवाओं से स्काई चैनल ने बातचीत की तो युवाओं ने शिविर को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी। उनका कहना था कि प्रयास अच्छा है लेकिन और बेहतर संभव था। कुछ युवाओं ने कहा कि नेट से संबंधित जानकारी नहीं होने से यहाँ के युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। संगरिया तहसील से हूं, रतनपुरा गांव है मेरा। क्या किया आपने और किस लिए यहाँ आए हो? सर मैं मेरा पंजीकरण किया हुआ है रोजगार केंद्र के अंदर, इसलिए उन्होंने लेटर दिया था रोजगार के लिए। मैं यहाँ रोजगार ये मेला लगा हुआ है इसके अंदर आया हुआ हूँ। ठीक है, मेरी बीटेक कर रहा हूँ सर। मैं मेरा डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल के अंदर, अबोर के अंदर से किया हुआ है सर। अब यहाँ पे जो इंजीनियर वाली कंपनी है उसके अंदर मैंने फॉर्म भर दिया है, वो देखते हैं कब तक आएगा। मेरे को उम्मीद है यहाँ पे लगभग, अगर ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी कुछ लोग आए हैं, उनका सिलेक्शन हो जाए प्राइवेट कंपनी के अंदर, अगर जॉब मिल जाए बहुत बढ़िया बात है। सभी प्रकार के, मतलब मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया लगभग सभी, मतलब और उसके बाद ये बुला लेंगे फ़ोन करके, उसके बाद में मतलब रोज़गार मिल जाएगा इस बात की गारंटी है। सैलरी लगभग 10,000, इसमें 6,000 है सर, अलग अलग है सर। जॉब के लिए आया हूँ तो जॉब, अगर मैं एम ए बी एड हूँ, जॉब ऐसे तो स्टॉलों पर हम घूमते रहते हैं लेकिन जॉब तब मिले ना, जो 15 लाख की उसने घोषित कर रखी है वो मिले तो हम सबका भला हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टार लगाने से यहाँ है वो है, नहीं है। उनसे देखने के बाद ये पता चला है कि मेरा, इनको देखने के बाद में सिर्फ यही कहना है कि ये फॉर्मेलिटी बनकर ना रह जाए और ये जो इस तरह के जो आयोजन है वो हर 3 महीने के बाद अगर गवर्नमेंट हमें अप्रूव करवाती है और प्रोवाइड करवाती है तो बेटर होगा, जिससे कि नई नई जो जानकारी है जिसको यूथ नहीं पता चल जाती। कुछ ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोग होते हैं जो जिला उद्योग केंद्र तक, इंडस्ट्रियल एरिया तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, दूसरी बात मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कमी वो देखने को मिली वो ये है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई काउंसलिंग डिपार्टमेंट नहीं है, जिससे कि हमें ये जानकारी मिल सके कि इस बंदे ने अगर ग्रेजुएशन से किया है तो उसके लिए फील्ड है, इसको इस फील्ड में जॉब करनी चाहिए, इसमें नहीं करनी चाहिए। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है उसके तो ये उसके बारे में ये डिटेल होनी चाहिए कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आप यहाँ ट्राई कीजिए, यहाँ ट्राई कीजिए। दूसरी बात, दो ऐसी वेबसाइट हैं जिनके बारे में यहाँ की जनता को और यहाँ के जो यूथ हैं उनको नहीं पता, जैसे कि naukri.com है, monster.com है, जो कि ऑनलाइन जॉब खुद फ़ोन करके प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर किसी तरह की कोई गाइडेंस नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक इंटरनेट से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की जो बात है वो यहाँ कमी देखी गई है। यूथ को ये नहीं पता कि अगर कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर अपना अगर हम रिज्यूम डालें तो हमें नौकरी मिल सकती है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे कि यहाँ पर रोजगार जिला उद्योग केंद्र से पहुँचे हुए हैं, उनके पास में कोई इस बारे में कोई सोल्यूशन ही नहीं है। उन्होंने बोला कि ठीक है अप्रैल मई तक आएगी, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक, अप्रैल मई तक आएगी। अभी लेटेस्ट क्या ऐसी स्कीम है, बीपीएल कोटे के लिए कौन सी है, ओबीसी कोटे के लिए कौन सी है, बीपीएल और ओबीसी जनरल कैटेगरी कौन सी है, वो सब इनके पास में कोई अलग से डिपार्टमेंट परफॉर्मा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो आयोजन हो उसके बारे में जनता को पूरी से पूरी जो डिटेल है वो प्रोवाइड करवाई जाए। आज हम आपको ऐसा नृत्य दिखाने की व्यवस्था कर रहे हैं जिसे देखकर आप यकीनन लुंगी डांस भूल जाएंगे। जी हाँ, वो डांस है घोड़ी डांस। हनुमानगढ़ में चल रहे अश्व मेले में एक घोड़ी ने इस तरह डांस की प्रस्तुति दी कि हर कोई जैसे कुछ क्षण के लिए रोमांच में भर गया। हनुमानगढ़ में भटनेर अश्व मेला परवान पर है। तकरीबन 1,000 घोड़े घोड़ियों के साथ श्वान आदि पहुंच चुके हैं। हर तरफ घोड़ों की हिनहिनाहट से माहौल खास तरह का बन रहा है। विधायक डॉक्टर राम प्रताप से लेकर जुडिशियल से जुड़े अधिकारी भी मेले में शिरकत कर रहे हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम गोदारा, पूर्व जज महावीर स्वामी आदि ने घोड़ों की प्रतियोगिताएं देखी। आइए आप भी देखिए घोड़ी डांस, जिसे देखकर आप सच में एक बारगी लुंगी डांस तो भूल ही जाएंगे। We'll be right back.
मेले में मारवाड़ी नस्ल की घोड़ी आकर्षण का केंद्र है। यह घोड़ी दूसरे प्रदेशों में कई पुरस्कार जीत चुकी है। उसकी उपलब्धियां बताने में उसके मालिक संजीव बेनीवाल थक नहीं रहे थे। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के द्वारा वहां पे फिर हमारी घोड़ी वहां ऑल इंडिया में चैंपियन रही। इसको 1,50,000 रुपए नगद पुरस्कार प्राप्त किया। ये मारवाड़ी घोड़ी है, बहुत अच्छी मतलब ये ब्रीड होती है। अब ये डार्क जोन में चली गई, इसलिए इस पे जो एक्सपोर्ट है उसको बंद कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जिले में अश्व पालन के साथ घोड़ों की उपयोगिता पर अश्व पालकों का कहना था कि यह एक व्यवसाय है। खेती के साथ यह चलन तेजी से बढ़ रहा है। उपयोगिता तो ब्रीडिंग पर्पस है जी, और इसकी जो डार्क जोन में जा रहा है इससे उसके सुधार होगा, ताकि गवर्नमेंट फिर इसका एक्सपोर्ट खोलेगी तो जमींदारों को इसका लाभ मिलेगा। ये एग्रीकल्चर के साथ मिला हुआ धंधा है, इसमें प्रॉफिट भी होगा खूब अच्छा। घोड़े तो शौक के लिए भी रखते हैं, चलने के लिए भी रखते हैं, सारे प्रोग्राम है जी घोड़ों का। तो अनारचम संविदा कर्मियों को स्थायी करने की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मियों की चल रही हड़ताल जारी है। टाउन में जंक्शन में ज्ञापन के जरिए नर्सिंग कर्मियों ने अपनी समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। राजस्थान संयुक्त संविदा नर्सेस समिति द्वारा संविदा के तहत कार्यरत नर्सेस, आयुष डॉक्टर व कंपाउंडर को स्थायी करने की मांग की जा रही है। समिति पिछले 8 दिन से हड़ताल पर है। एनआरएचएम कर्मियों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और स्थायी करने की मांग की। 5/15 से हमारी लिस्ट जारी कर, जो हमारे 30,000 कर्मचारी हैं, एनएम हो, जीएनएम हो, आयुष डॉक्टर हो, चाहे वह आयुष कंपाउंडर हो, सभी को नियमित करके हमारे को जल्द से जल्द हमारी ये मांगे पूरी करें। एनआरएचएम नर्सिंग कर्मियों की एक सूत्री मांग के समर्थन में स्थायी कर्मियों ने राजकीय जिला चिकित्सालय में पीएमओ को ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि एनआरएचएम संविदा कर्मियों को सरकार को स्थायी करना होगा। उन्होंने कहा कि नई सरकार जब तक उन्हें स्थायी नहीं करती आंदोलन जारी रहेगा। एक सूत्री जो मांग पत्र है उसके संदर्भ में हमारी 6-7 दिनों से स्ट्राइक चल रही है, लेकिन सरकार के कान पे अभी तक कोई जू नहीं रेंग रही। जो हमारे परमानेंट स्टाफ है उन्होंने हमारे सहयोग के लिए ज्ञापन दिया है कि इनकी मांग नहीं मानी गई तो हम भी इनके समर्थन में हड़ताल पे उतरेंगे। समाचार अभी और भी अधिक रही दिन भर की खबरें। मीट कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नजदीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। टाउन के भटनेर किले में स्थित श्री शांतिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में धार्मिक आयोजन हुए, कार्यक्रम में जैन समाज के लोगों ने भाग लिया। जैन समाज के धर्म गुरु श्री शांतिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर का स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। टाउन के ऐतिहासिक भटनेर किले में बने इस भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज से 15 साल पहले आचार्य विजय नित्यानंद जी महाराज द्वारा की गई थी। जैन समाज द्वारा हर वर्ष 20 फरवरी को मंदिर के स्थापना दिवस पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज भी धर्मगुरु रक्षा जी महाराज के नेतृत्व में सत्संग किया गया। इसके उपरांत राजकुमार जैन के परिवार द्वारा मंदिर के गुंबद पर ध्वजा चढ़ाई गई। आज फागुनवती पंचमी का दिन हनुमानगढ़ के लिए एक शुभ व मंगलमय दिन, और आज संपूर्ण हनुमानगढ़ के जैन समाज ने खूब हर्ष व उल्लास के साथ इस शुभ मुहूर्त इस ध्वजा के कार्यक्रम में खूब हर्ष व उल्लास के साथ भाग लिया। श्रीमान राजकुमार जी कोचर परिवार की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उनके परिवार की तरफ से यहाँ जैन मंदिर में हर साल की भांति इस वर्ष भी ध्वजा का कार्यक्रम रखा है। ध्वजा खूब हर्ष व उल्लास के साथ
मंदिर में शिखर पे चढ़ाई गई है और आज अत्यंत खुशी का दिन है। जैन एसएसवा के साध्वी श्री जी महाराज यहाँ पधारे हैं, उनकी सानिध्य में खूब जोश से पूरे संपूर्ण जैन समाज ने प्रोग्राम आयोजित किया। भाजपा का एक वोट एक नोट अभियान जारी है। वार्ड नंबर 7 में इसकी शुरुआत हुई। पार्षद सुरेश कुमार ने बूथ पर जाकर विधिवत आगाज किया। लोकसभा चुनाव की तैयारी के दृष्टिगत भाजपा का एक नोट एक वोट अभियान चरम पर है। वार्ड नंबर 7 में पार्षद सुरेश कुमार के नेतृत्व में अभियान शुरू किया गया। लोगों ने उत्साहपूर्वक अभियान में सहयोग किया। एक नोट और मोदी जी के लिए वोट, बीजेपी के लिए। और शुरुआत करिए वार्ड नंबर 7 से। और बूथ संख्या हमारी 89 और 90 और 91 3 बूथ संख्या। यहाँ से घर घर जाके हम बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वोट मांगने की शुरुआत करी है। और इसमें हमारे कई कार्यकर्ता पदाधिकारी है, जैसे हमारे भारतभूषण जी है, अर्जुन जी है, मणिराम और अपने पुजारी जी है, रमन जी है, कई जने हमारे सब मिलके वार्ड के लिए बीजेपी के लिए वोट मांगे। करीब 6 साल से ठेके पर काम कर रहे रोडवेज कर्मियों का धरना 30 दिन जारी रहा। नाराज कर्मचारियों ने गुरुवार को डिपो के सामने अर्धनग्न प्रदर्शन किया और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। सरकारी नौकरी की उम्मीद ये है कि वे 6 साल से विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए ठेके पर काम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदें जब धाराशाही होने लगे तो फिर क्या हो। रोडवेज में करीब 6 साल से ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों का आंदोलन 30 दिन गुरुवार को जारी रहा। रोडवेज डिपो के सामने कर्मचारियों ने धरनास्थल पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन किया है कि हमारी मांगों के लिए हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारे को स्थायी किया जाए। 6 सालों से हमारा शोषण हो रहा है, इसमें सरकार कोई वो नहीं कर रही है और हम बार बार बात करा चुके हैं मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमें अर्धनग्न प्रदर्शन किया है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री जी से आदेश दिए जाए और नियमित किए जाए। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय छात्र संघ के बैनर तले विद्यार्थियों का धरना 30 दिन जारी रहा। छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी ने बताया कि छात्रों की समस्याओं से कई बार कॉलेज प्राचार्य को अवगत करवाया गया, लेकिन आज तक समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय का सरकारीकरण हुए काफी समय बीत गया, लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हुआ। अपनी मांगों की पूर्ति के लिए छात्र आंदोलनरत हैं। राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना देकर बैठे छात्रों का कहना है कि कॉलेज का सरकारीकरण होने के बाद भी छात्रों की समस्याएं जस की तस हैं। अपनी मांगों के समर्थन में छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी, दुष्यंत चाहर व कृष्ण स्वामी ने भूख हड़ताल का सहारा लिया है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी के साथ ही लाइब्रेरी में पुस्तकों की भी कमी है। महाविद्यालय में छात्रावास व जिम्नेजियम की सुविधा नहीं है, वहीं कैंटीन में भी छात्रों के बैठने की जगह नहीं है। NMPG कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन में छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी, दुष्यंत चार, कृष्ण स्वामी सहित NMPG कॉलेज के छात्र NMPG कॉलेज की मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे। मांगे हैं व्याख्याताओं की मांगों को लेकर, जिम सेंटर की मांगे और सभा भवन सहित बाइक स्टैंड और कई मांगे हैं जिनके लेकर छात्र आज भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसमें SFI ने खुलकर समर्थन किया और जिसमें एक छात्र SFI की तरफ से भूख हड़ताल पर बैठ गए और सभी छात्र और सभी ग्रुप्स और जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उनका कहना है कि जब तक NMPG की मांगें पूरी नहीं होंगी ना तो खड़े होंगे और आंदोलन में और छात्रों की संख्या बढ़ती जाएगी, जिसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। We'll be right back.
जंक्शन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में शहीद बाबा दीप सिंह का सालाना शहीदी जोड़ मेला श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में चल रही प्रभात फेरियों का समापन हुआ और अखंड पाठों के भोग डाले गए। शहीद बाबा दीप सिंह का सालाना शहीदी जोड़ मेला श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में सात संगत द्वारा 6 फरवरी से प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी, जिसका समापन आज हुआ। गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में लड़ीवार चल रहे अखंड पाठों के भोग डाले गए और गुरु महिमा का बखान किया गया। मुख्य सेवादार बलजीत सिंह बिल्ला ने बताया कि शहीदी जोड़ मेले के तहत नगर कीर्तन शुक्रवार को निकाला जाएगा। नगर कीर्तन का सात संगत द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत होगा। नगर कीर्तन के दौरान पिंड पथराला वाले बाबा जीवन सिंह की गतका पार्टी करतब दिखाएगी। 22 फरवरी को अमृत संचार होगा और रात के दीवान सजेंगे। 23 फरवरी रविवार को संत बाबा अमृतपाल सिंह खालसा मंडी वाले कीर्तन कर संगत को निहाल करेंगे। इस अवसर पर दीवान सजेंगे और गुरु कलंगर अटूट बरताया जाएगा। तन तन शहीद बाबा दीप सिंह जी जिन्हों का सालाना शहीदी समागम गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी वार्ड नंबर 6 सेक्टर नंबर 12 विखे बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है, जिस के अंतर्गत अज संत अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए हैं। अज तक टोटल 48 अखंड पाठ साहब के भोग पै चुके हैं। इस तो उपरंत हुण नगर कीर्तन की तैयारी हो रही है। कल सवेरे 21 फरवरी 9 बजे गुरुद्वारा साहब तो विशाल खालसा मार्च के रूप के नगर कीर्तन निकलेगा। गुरु का जस गायन करते हुए वो सैक्टर 12 हाउसिंग बोर्ड जोड़कियाँ रोडों वाली सतीपुरा चक ज्वाला गोल्डन सिटी बाजार से दुर्गा कलोनी हुंदा होया शाम नू नगर कीर्तन की समाप्ति की अरदास होएगी। जगह जगह पर धर्म प्रेमियों वालों नगर कीर्तन का स्वागत किया जाएगा। नगर कीर्तन के गतका पार्टी भाई जीवन सिंह जी पथराला वाली गतका पार्टी योग शास्त्र विद्या के जोहर दिखाएंगे। जिला मुख्यालय पर महाशिवरात्रि पर्व 27 फरवरी को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में ईश्वर प्रेम मिशन व एकलव्य आश्रम के संयुक्त तत्वावधान में महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन होगा। महाशिवरात्रि महोत्सव के आयोजन की तैयारियों को लेकर ईश्वर प्रेम मिशन व एकलव्य आश्रम के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए गुरुवार को शिवरथ रवाना किया गया। समाज सेवी सुमन चावला व कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय सहित आसपास के गांव में प्रचार के लिए रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। महाशिवरात्रि महोत्सव में 27 फरवरी को सुबह 8:15 बजे से शाम 5:15 बजे तक ओम नमो शिवाय का अखंड जाप होगा व रात्रि में शिव कथा की जाएगी। कथा का वाचन दीदी शालिनी देवी करेंगी। ईश्वर प्रेम मिशन और एकलव्य आश्रम के जॉइंट प्रयासों के साथ इस बार महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 27 फरवरी को मनाया जाएगा और इसमें सुबह 7:15 से लेकर 5:15 बजे तक अखंड ओम नमः शिवाय का जाप चलेगा। इस बीच में रात को शिव विवाह कथा होगी। हर जगह पे बहुत अच्छी कथा करती, बहुत अच्छी एक महान इंटरनेशनल कथावाचक हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। निःशुल्क बच्चों से खुश होकर, क्योंकि जी टीवी में अभी बच्चों ने जो प्राइज जीता और अपना टैलेंट साबित किया उससे प्रसन्न होकर वो यहाँ पर आ रही हैं। और ये प्रयास जो है एक बहुत अथक प्रयास, और इसमें जो रहेगा कि एक भक्तिमय वातावरण होगा और यहाँ पर एकलव्य आश्रम के जो बच्चे हैं वो भी अपना 1.25 घंटे का प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। और सच में ये एक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जो शायद अविस्मरणीय रहेगा समाज के लिए, हनुमानगढ़ के लिए। शांति आश्रम संस्था द्वारा रेलवे बाउंड्री में भंडारे का आयोजन किया गया। संस्था में जुड़े के गर्ग के अनुसार शांति आश्रम द्वारा समाजित में कई गतिविधियों का संचालन किया जाता है। गरीब व असहाय लोगों के भोजन की व्यवस्था का जिम्मा लिया है शांति आश्रम संस्था ने। शांति आश्रम द्वारा प्रतिदिन शाम को जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर बाउंड्री में निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया जाता है। संस्था से जुड़े के गर्ग के अनुसार शांति आश्रम द्वारा समाजित में कई गतिविधियों का संचालन किया जाता है। एक महीना हो गया ये शाम को लंगर बरताते हैं, जो 50-60 भिखारी और मंगते जो भी हैं ये यहाँ भोजन करते हैं, रोजाना भोजन करवाते हैं।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।